नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की शॉर्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे देश के टॉप 10 कंप्लीटेड एक्सप्रेसवेज के बारे में। नंबर 10 पर जो एक्सप्रेसवे निकल कर आता है, इसका नाम है ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, जिसको कि मुंबई के अंदर बनाया गया है। इसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लेकर थाने के बीच में बनाया गया है, जिसकी कुल लंबाई ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर की है। इसके बाद में आता है दोस्तों नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा के बीच में बनाया गया एक्सप्रेसवे। ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जो कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, और ये एक्सप्रेसवे 24 किलोमीटर लंबा है। नंबर 8 पर आता है वेस्टर्न एक्सप्रेसवे। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे एक 8 लेन एक्सप्रेसवे है, जो कि 25.33 किलोमीटर लंबा है, और ये महीम क्रीक से शुरू होकर मीरा दहीसर टोल बूथ तक जाता है। इसको भी मुंबई के अंदर बनाया गया है। नंबर 7 पर आता है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे जो है, ये एक 28 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल टोल एक्सप्रेसवे है, जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंदर फॉल करता है, और ये हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है। नंबर 6 पर आता है दंकुनी पालसित एक्सप्रेसवे। दंकुनी पालसित एक्सप्रेसवे को दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 65 किलोमीटर की है, और ये पालसित से शुरू होकर आसनसोल तक जाता है, और उसके बाद में आगे जाकर ग्रैंड ट्रंक रोड से कनेक्ट हो जाता है। नंबर 5 पर आता है इलाहाबाद बाईपास। इलाहाबाद बाईपास जो है, ये एक 82 किलोमीटर लंबा इलाहाबाद बाईपास है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये 4 लेन लंबा एक्सप्रेसवे है, और ये NH2 पर फॉल करता है। नंबर 4 पर आता है जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे। जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे जो है, ये एक 90 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे है, और ये राजस्थान में सिचुएटेड है, और ये हमारे देश का वन ऑफ द बेस्ट हाईवे है। नंबर 3 पर आता है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे इंडिया का पहला 6 लेन कॉन्क्रीट हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल टोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसकी कुल लंबाई 93 किलोमीटर की है। ये एक्सप्रेसवे जो है, ये मुंबई से लेकर पुणे के बीच का जो टाइम है, यानी कि ट्रेवल टाइम है, ये 2 घंटे के अंदर कवर कर लेता है, जहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं ये 80 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ में चल सकती हैं। नंबर 2 पर आता है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे जो है, इसको नेशनल हाईवे या फिर नेशनल एक्सप्रेसवे 1 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 95 किलोमीटर की है, और साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करें तो ये नेशनल हाईवे 8 के ऊपर फॉल करता है, और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नंबर 1 पर यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे निकल कर आता है, इसका नाम है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 165 किलोमीटर की है। ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जो कि ग्रेटर नोएडा को आगरा से कनेक्ट करेगा। साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करें इसके एक और नाम की, तो यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये शॉर्ट वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे जाकर भी हमारे देश के डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।